माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सविषय नेता विरोधी दल, श्री अजीत शर्मा सविषय, श्री सूर्यकांत पासवान सविषय, श्री राम रतन सिंह सविषय एवं श्री राजेश कुमार सविषय से संशोधन प्राप्त हुए हैं। इनमें से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल, श्री अजीत शर्मा सविषय एवं श्री राम रतन सिंह सविषय से प्राप्त संशोधनों की सूचना नियमानुकूल है। सदन की राय से इनके संशोधनों को पढ़ा हुआ माना जाता है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय नेता विरोधी दल, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ठीक, राज्यपाल जी के महामहिम के अभिभाषण पर वाद विवाद पर बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वो तो सरकार के अधिकारी या सरकार का जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ा हुआ वो पढ़ते हैं, और राज्यपाल जी ने कल भाषण जो दिया उसमें शायद पहली बार जो है बहुत ही छोटा भाषण रहा होगा। इतना छोटा भाषण था, उससे ज्यादा तो धन्यवाद प्रस्ताव में इनके मंत्रियों ने बात कही, और ये साफ तौर पे दिखाता है कि राज्यपाल का जो भाषण होता है सरकार का काम करने का दिशा क्या होगा। 12 करोड़ से भी अधिक की बिहार की आबादी है और सबसे ज्यादा बिहार में नौजवान है, सबसे युवा प्रदेश देश का बिहार है, लगभग 60% के आसपास नौजवानों की संख्या है। लोगों को निराशा हुई है महोदय, कल भाषण भी देखा और मौजूदा एनडीए सरकार का लोगों ने काम भी देखा। हम लोग सब लोग चुनाव में गए, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि आपने कोरोना काल में सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला, आप बड़े गंभीर दिखते हैं और हम सब लोगों को गंभीर होना चाहिए। सुन लीजिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष, आपके पीछे ललित बाबू हैं, खतरा बढ़ने की संभावना न रहे, वो पहन लें। सुन महोदय, फिजिकल डिस्टेंस है का, हम सब लोगों के सीट थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कोरोना की। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की जिक्र नहीं कर रहे हैं, वाकई में जो होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस, इतने इतने दूरी पर बैठे हैं इसीलिए बैठाया गया। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सदस्य नए हैं, सब लोगों को बधाई है, और कई ऐसे सदस्य हैं जिनको चुनाव परिणाम के समय वापस घर जाना था, फिर वापस भेजा गया सर्टिफिकेट लेने के, उस पर भी हम लोग आएंगे बात करेंगे। लेकिन महोदय, आप पिछले सत्र में थे, बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ था, जो बजट सेशन था, हम लोगों ने चर्चा की थी कोरोना पर, आप गंभीर, इसलिए हमको लगा कि इस बात को उठाना चाहिए। उसमें कई नए सदस्य जो है उनको नहीं पता होगा, हो सकता है टीवी पे या न्यूज चैनल में देखा होगा, हम लोगों ने मांग की थी कमिटी बनाने की, मुख्यमंत्री जी यहां है, पूछे कमेटी बन गई क्या। उस समय के स्पीकर विजय चौधरी जी हैं, कमेटी बन गई क्या, ये तो सरकार की गंभीरता दिखाती, गलती किसकी, विजय चौधरी जी की या नीतीश कुमार की, क्यों नहीं बनी कमेटी, ये गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं सिर्फ कहने के लिए, और करने के लिए जब काम आता है तो कोई काम भी नहीं कराई जाती। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब सदन में ही झूठ बोला जाए तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मास्क की बात सदन के लिए, कमेटी से मास्क को मत जोड़ें, मास्क आवश्यक है और संदेश हम सब मिलके दें, ये आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मास्क हम लाते हैं, अच्छी बात है, हमने तो यहाँ के लोगों को कहा कि सभी सदस्य को मास्क उपलब्ध करा दें, जो नहीं ला सके भूल गए,
आगे आगे सब बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष के विषय को सुने, क्या है व्यवस्था? अब अध्यक्ष महोदय संरक्षण, अब झूठ सद और संसदीय और देख लिया जाएगा, बैठ जाए, कृपया सुने, और देख लिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, चलिए बैठ जाइए। आगे 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 अब शांति बनाए रखे, एक नई परिपाटी देखिए, ढंग से ये लोग भी सुने हैं, आप लोग भी सुने, इनको गंभीरता से लें। अध्यक्ष महोदय समय 56 मिनट का है, देख लीजिए कितना टाइम कटा है, हमको तो पूरा मौका मिलना चाहिए, और हमें कोई भी अपशब्द या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का या कोई ऐसी अनलॉजिकल इलॉजिकल बातें हमने तो की नहीं, हमने तो सच बोला है। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर के अध्यक्ष महोदय उस समय के बोला था, नहीं बोला था कि कमेटी बना दीजिए? हालांकि कमेटी तो मुख्यमंत्री जी को बनाना चाहिए, लेकिन उस समय हम लोग सब लोगों ने समर्थन किया कि बन जाना चाहिए, ना कोई समय सीमा बताई गई, ना कुछ किया गया, ये दिखाता है गंभीरता। तो इसमें कोई गलत बात तो हमने नहीं कही, तो जो गंभीर नहीं है, तो 12 करोड़ इतनी बड़ी आबादी है, वही गंभीरता हम लोगों ने भी मजदूरों के समय देखा, अपने ही बिहार के लोगों को लौटाने से मना कर दिया गया, नहीं लौटने दिया गया, वही हम लोगों ने भी देखा उस दौरान, अभी भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी जो है रोजगार नहीं मिला, अभी आप हवाई अड्डे चले जाओ कोरोना काल में, या पैसेंजर का अपना आप सरकार के पास पावर है, सारा नाम और डेटा निकालिए, सबसे बड़ी संख्या में बसें आ रही है, ट्रेनों में लाद लाद के ले जाया जा रहा है, बाहर जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले बदलाव का जो जनादेश था, हमारे प्यारे बिहार को हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं कि जो जनादेश था ये बदलाव का जनादेश था। और महोदय हम लोगों ने किन मुद्दे पे चुनाव लड़ा? बेरोजगारी पर, रोजगार पर, कमाई दवाई पढ़ाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, इन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों ने चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा महोदय? थाना में जो घूसखोरी होती है कोई इनकार कर सकता है? ब्लॉक लेवल पर जो घूसखोरी हो सकती है, साथ साथ घोटाले सरकार के जो 30,000 करोड़ वो जनता के सामने रखा, हमने पहले कलम से 10,00,000 लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देने का वादा किया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कारखाने हो, फैक्ट्रीज हो, शुगर मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, जो इनके सरकार में बंद हो गए हैं उसको खुलवाने की बात की। लेकिन पूरे चुनाव में हम लोग मुद्दे पे रहे, और हमारा चाहे देश के प्रधानमंत्री क्या क्या नामकरण एक 31 साल के नौजवान का नहीं किया, मुख्यमंत्री जी के आपा खोते हुए बौखलाहट जो सत्ता जाने का किसने ही नहीं देखा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा महोदय चुनाव के दौरान? बड़े हैं हम, सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। और महोदय अब शांति बनाए रखे, सुने गंभीरता से सुने, मौका मिलेगा सबको, अरे अपनी बात रखने। हम तो आदरणीय नीतीश जी को चाचा के नाम से बोलते थे, चाचा से संबोधन करते थे, लेकिन अब तो सदन में कोई चाचा भतीजा तो होता नहीं है, अब तो सीएम है और हम लीडर ऑपोजिशन है, अब तो प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, थोड़ा सा मैं उस पर गौर आप लोगों को रखना चाहता हूं। बौखलाहट में गुस्सा निकल रहा था, लोग बच्चे गिन रहे थे किसके कितने बच्चे होते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की थी उस समय, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे, शायद
आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, दो लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर एक मिनट आसन नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले, हमारी एक छोटी बहन है बनाए रखे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे, लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग तो ये भी कहते रहे हैं शांति बनाए रखे हैं, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। नेता प्रतिपक्ष आप नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे, आप बैठ जाए। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी को समझते हैं, आपसे आगे और माननीय सदस्य आप बैठ जाएंगे, संयमित भाषा का ही उपयोग करेंगे, आप बैठ जाए, बैठ जाए। महोदय महोदय अब आप नेता बोल रहे हैं, आप लोग क्यों आप खड़े हो रहे हैं जी, बात नहीं आसन के लिए ना। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया, क्या बेटे का डर था? विकास की ओर है आगे नेता पटवास है हम नेता प्रतिपक्ष की बात को सुना, ये आगे बढ़ेंगे, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी, इनकी गंभीरता दिखाई पड़ेगी। पर्सनल बातों को कृपया करके पर्सनल बात को चुनाव की बात को भूल करके ये सदन में विकास की बात 12 करोड़ जनता की बात की चर्चा हो, बैठ जाए कृपया, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए करेंगे चर्चा, बैठ जाइए, बैठ जाइए अरुण शंकर जी, बैठ जाइए महोदय, बिछोल जी बैठ जाए महोदय, नहीं अरे भाई आप बैठ जाए, बैठ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम तो इन सब बातों का आप महमूद साहब के आए के लिए खड़े हुए हैं, ये सक्षम है बोलने में, आप सपोर्ट में बैठ जाए, इनको बोलने दें। चलिए अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों का जिक्र हमको पसंद नहीं, आप अब आप सुन बैठिए, अरे बैठ जाइए भी, अरे घबराहट बैठ जाइए, प्रमोद जी बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं बैठ जाइए, हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिसकी जैसी भावना होती है वही लोग दूसरों के बारे में वैसा सोचते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, वो भी आए ना, एक आग्रह सभी माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के वक्तव्य के समय ध्यान से सुने, ये आग्रह है, और सभी सदस्य वरिष्ठ लोग और नए लोग सभी सम्मान करें, कल आपको ये मौका मिलेगा, लोकतंत्र में किसी भी के भी सपना साकार हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुने। अध्यक्ष महोदय आप ही जाइए, प्रमोद बाबू बैठ जाइए, आप ही लोगों ने बताया, अब बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष उसी ओर पर रहे, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बढ़िए। अध्यक्ष महोदय है, कितना शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को किसी के बच्चे गिनने में, ये आगे बढ़िए, आगे बढ़िए वहां से। अध्यक्ष महोदय, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जनादेश की चोरी हुई, चोर दरवाजे से ये सरकार का इतिहास रहा, और सबका चयन ही ढंग से करेंगे, आप लोग उत्तेजित मत होइए, बैठिए, नहीं ठीक है, जो असंसदीय शब्द रहेगा उसको हटा देंगे, आप लोग बैठिए, आगे बढ़िए।
नेता देते हैं। आप लोगों किन्हीं को आपत्ति होगा, कोई असंसदीय सब रहेगा, हम लोग बाद में देख लेंगे। हम एक आग्रह पुनः माननीय सदस्यों से करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के समय हमारी गंभीरता बनी रहे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपने राज्य का है, संदेश जाता है, जनता देख रही है, हमारी हर विषय पर लोगों की, लाखों लोगों की निगाह है। इसलिए आग्रह है कि शांति से सुने। अध्यक्ष महोदय, एक अरे बैठिए ना। और एक आग्रह करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर निजी टिप्पणी कार्यवाही के अंग नहीं बनेंगे। आगे आप शांति से बैठे बैठे मिस्टर बाबू, अब हो गया। हम कह दिए कि जो वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुनिए तो, अब इनके पूरे विषय को सुनिए। अब आप क्यों बोलने लगे? नहीं, ये उचित नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें। झूठ और संसदीय शब्द है, इसको भी कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा, और झूठ के बदले नेता प्रतिपक्ष असत्य बोले, असत शब्द का उपयोग करें। ठीक, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी महोदय। चलिए चलिए आगे, अपना समय का उपयोग करें। आप श्रीरामगिरी जी, आपको क्या हुआ? ऐसा बहुत बैठ जाइए, समय हम अपना देख रहे हैं। बैठ जाइए, बोलने दीजिए, बैठ जाइए, समय हम देख रहे हैं। कौन सा तरीका है? अरे मार्क्स हुआ, अभी बोलने के समय, बोलने के बाद मार्क्स लगा लेंगे। आप चिंता इनका कर रहे हैं, चले देंगे। आप चिंता इनका कर रहे हैं, खुशी की बात है, लगा लेंगे। बोलने के समय में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मौका मिलेगा क्या? हाँ बोले बोले, आप बोले, नेता प्रतिपक्ष आप बोले, सदन चलने देंगे क्या? चलेगा क्या सदन? आप नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखे, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देखे, आसन की ओर देखे। आप शेख जी, वहां शेख जी बैठ जाइए, सभी से आग्रह, नहीं अब कोई भी खड़ा बिना अनुमति के ना हमें बैठे बैठे। जनक जी अध्यक्ष महोदय, जनक जी बैठ जाइए, बैठिए। श्रवण कुमार जी, नए नए लोग जीत क्या है, थोड़ा टोक दीजिए। अब आपसे आग्रह माननीय सदस्यों से कि आप बैठ जाएं। मार्क्स वो लगा लेंगे, उन्होंने कहा है कि मार्क्स बोलने के बाद लगेगा, बैठ जाइए आप। बहुत शुभ चिंतक इनके हैं, चिंता करो, अच्छी बात है। देखिए आए आए आप नेता बोलिए, बैठ जाए, आप बैठिए। मार्क्स उनके पास है, उन्होंने मार्क्स निकाल के दिखाया है, मार्क्स दिखा दीजिए एक बार। हाँ देखिए, मार्क्स दिखा दिए, चलिए। नेता प्रतिपक्ष मास्क को लगा लीजिए, लोग की चाहत है कि मास्क ने आपको देख लें, लगा लें, सदन की भावना का कदर कर लें। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए ना, मास्क मास्क है, आप चिंता मत करिए। डिस्टेंस का लगा रखा है, ये 12 फीट की दूरी। बैठ जाइए आप लोग, विजय जी बैठिए, यानी जी आप बैठे, बोलने दीजिए इनको आप। अरे आप बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए नेता प्रतिपक्ष, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बोले, आसन की ओर देख के बोले। अरे आप लोग बैठिए, बड़े हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पेट फूट रहा है तो। अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन को 1,00,00,000 शांति बनाए बैठे, सुने नेता से सुने, बैठ जाए। 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिले, एनडीए को मात्र 12,270 वोटों का अंतर एनडीए और महागठबंधन का रहा, और 12,000 के वोटों के अंतर में 16 सीट ये एक्स्ट्रा जीत गए, और ये 12,000
270 का अंतर तब रहा जब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3,000 बैलेट पेपर रद्द किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 500 तो कई जगह 3,000-4,000 संख्या में बैलेट पेपर रद्द किए गए। अध्यक्ष महोदय, निष्पक्षता पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है। बैठिए आप जनक जी, बैठिए, बोलने दीजिए नेता प्रतिपक्ष को। तो मत करो, आप बैठ जाइए, बोलिए नेता प्रतिपक्ष, बोलिए। आप नेता अरे नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए, आप इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप शांति बनाए रखिए, आप सुने, धैर्य से सुने। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सुने। सभी से आग्रह है, आप पहली बार सुने, एक बार बोलिए नेता प्रतिपक्ष, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। हम आपको बस आपके सामने हमने रखा, और बिना अनुमति के जो बोलेंगे उनका प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। बैठ जाइए प्रमोद जी, आप बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, चेहरे की बात की जा रही थी। जब चोर दरवाजे से पिछले बार बीजेपी को सत्ता मिला है तो हम लोगों को बोला गया मुख्यमंत्री जी कि 80 सीटें दिलवा दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम भी जो चुनाव जीते वो मुख्यमंत्री जी के बदौलत चुनाव जीते। हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि हम अपने चेहरे में लगभग दुगुना वोट से भी ज्यादा से जीत करके आए, और लगभग उतनी सीटें हमने महागठबंधन और अपने पार्टी को जिताने का काम किया। और आपका चेहरा का कमाल की तीसरा नंबर पर चले गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े और आपकी संख्या जो है तीसरे नंबर की रह गई। तो ये चेहरे का कमाल। जहां तक वोटों की बात की जाए महोदय, तो लगभग 23% जेडी को वोट आया, लगभग 19% बीजेपी को आया और उसके नीचे जदयू को आया। यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर पार्टी अगर बिहार की जनता ने बनाया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है। और महोदय, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई पहली बार नहीं, महोदय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहली बार नहीं, 30 सालों से आरजेडी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर 2005 और 2010 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 90 का दौर हो या 2020, मतलब 2020 नहीं, 2020 से 2020 2020 तक आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। क्यों? क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़ करके जनता के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, आप लोग मुर्दों की बात करते हो, ये फर्क है। हम लोग जनहित के मामले को, जनता के जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसको उठाने का काम करते हैं। यही कारण है महोदय, हम लोगों ने आज तक अपनी नीति, विचारधारा और सिद्धांत से समझौता नहीं किया, इसलिए बिहार की जनता हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। और चाहे 90 हो, 95 हो, 2000 हो, या आपका 2015 हो, 2020 हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई रही है तो राष्ट्रीय जनता दल ही रही है। इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, शुचिता की बात की जा रही है, राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी की बात मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं, जो कि उनको शोभा नहीं देता। आप सब लोगों को पता है, अगर शुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-09 में
कैसे उस फैसले को टाला गया ये सब लोग जानते हैं, और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से, और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। ये सच्चाई ऑन फैक्ट्स है। सुचिता की बात की जा रही है तो अभी मेवालाल चौधरी जी थे पीछे है मंत्री, या तो मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं था उनके केस के बारे में, उनके मुकदमे के बारे में, उनके घोटाले के बारे में, और चलो एक भ्रष्टाचारी को हटाया तो दूसरे भ्रष्टाचारी को बना दिया गया। अशोक चौधरी जी गायब है लेकिन हमेशा इनके साथ बैठे रहते हैं। अशोक चौधरी जी का अगर मुख्यमंत्री जी उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पड़े है तो हमारे पास है ये चार्जशीट में, उसमें लिखा कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। ये हम पढ़ के बगैर सुना, जब बोर्ड मीटिंग अटेंड करते थे अशोक चौधरी। अगर चार्जशीट अगर चाहिए तो हम कॉपी जो है हम सदन में भी रखेंगे आगे, और मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा देंगे ताकि आगे का भी एक्शन लिया जाए। अगर मेवालाल जी को हटाया गया तो अशोक चौधरी जी को क्यों दिया गया? जहां तक बात है सृजन घोटाला, 3300 करोड़ का घोटाला, आपको आएंगे बताएंगे, सुन लो मारे। सुचिता की बात की जा रही है, सृजन घोटाला 3300 करोड़ का, 15 साल इनके कार्यकाल में लगभग 7 घोटाले हुए, जिसको सरकार ने सदन में भी माना है, जो कि अमाउंट होता है 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का। अब महोदय सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए, अरे बैठो ना यार, सृजन घोटाला की जहां तक बात की जाए महोदय, तो ये अमित और प्रिया कौन है? अमित और प्रिया कौन है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मुख्यमंत्री जी ये रहा सृजन घोटाला, तो आपको जानकारी ही नहीं थी, जैसा आपने कहा 2016 या 17 मिनट का समय बचा है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे पास 2008-09 का सीएजी का रिपोर्ट है, इसमें सृजन घोटाला का जिक्र है। अब मुख्यमंत्री जी कहते उनको पता नहीं, क्यों नहीं पता? जयश्री ठाकुर कौन थी? आपराधिक मामले जो है, जो स्पेशल बना हुआ है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, क्या क्या पकड़े गए, नहीं पकड़े गए? इसमें तो साफ तौर पे सीएजी के रिपोर्ट में लिखा है सृजन के बारे में। ये हम चाहेंगे हाउस के प्रोसीडिंग में भी जमा करना। महोदय एक व्यक्ति था संजीत कुमार, उसने मुख्यमंत्री सीएमओ सीएम बिहार /bhi@nic.in को मेल किया था 14 जुलाई 2013 12:36 में, ये बैंकिंग एक्टिविटी को लेकर के सृजन घोटाला का, ये ऑन रिकॉर्ड उसका ईमेल का कॉपी है। क्या कार्रवाई हुई? यही नहीं, आरबीआई की चिट्ठी है महोदय, आरबीआई की चिट्ठी है, ये 2012 की है महोदय, जिसमें ये बताया गया है मुख्यमंत्री जी को कोट करके कि इलीगल बैंक चल रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये है आरबीआई की चिट्ठी, और ये सुशील मोदी जी की बहन का स्टेटमेंट है, करोड़ों रुपए घपत का। सुनिए, एक मिनट का समय बचा है। सुशील मोदी जी उस समय वित्त मंत्री थे, चारा घोटाला की बात करते तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उजागर किया, तब जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। बात सुनिए, अरे सृजन का कौन जाएगा जेल? इसमें सबूत है मेरे पास, ये अकाउंट में करोड़ों रुपए गए सुशील मोदी जी की बहन के। प्रतिपक्ष समय 12:30 से ओवर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 बजे ट्रांजेक्शन है, करोड़ों में ट्रांजेक्शन है। माननीय सदस्य महोदय, ये इंडियन बैंक का है, ब्रांच का है सारा, ये भागलपुर ब्रांच का, इंडियन बैंक का महोदय, पटल देवी रोड भागलपुर, ये ब्रांच कोड 638, ये स्टेटमेंट है। अब नहीं महोदय, एक मिनट, बात खत्म हो जाने, कंक्लूड कीजिए। क्या सुशील मोदी जी पे 120B का कॉन्स्पिरेसी का, चोरी का, सरकारी खजाने से 3300 करोड़ रुपए निकाले गए, क्या पूछताछ भी हुई है? 120B तो दूर की बात, क्या मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई है? ये ईमेल है, माननीय सदस्यगण सारे, ये सीएजी है,
12 बजे तक सदन की अवधि निर्धारित है और आज शुक्रवार का दिन है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप हमको बाद में कंटिन्यू करवाइएगा क्योंकि हमारा समय बचा हुआ, लेकिन ये हम चाहेंगे कि ये बैंक का स्टेटमेंट प्रोसीडिंग में जमा हो, ये सीएजी का, आरबीआई का और जो मेल का जो संजीव कुमार ने मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करके बोला था, ये नेता विरोधी दल का भाषण जो योजना अवकाश के लिए 2 बजे पूरा जारी रहेगा, अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। सबको भी आसन की अनुमति से विषय को रखे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, हमें समय बढ़ाना पड़ेगा, समय बताइए जल्दी, समय बताइए, एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक ठीक बोलिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। महोदय एक बार बात तो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है, बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए, आप है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने बता दिया था, मेरा भाई समान कौर का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं, और इसके पिता पर किसने बनवाया था, लोकतंत्र में विधायक दल का नेता ये पता है, इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था, और जब इस पर आरोप था हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। ये सारा लोग एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता, अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम चलेगा, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्यों नहीं सत्रह में एक्सप्लेन किया था, आज 4 सीटर है, सदन में शांति बनाइए, माननीय सदस्यगण, ये सत्रता उसके आपने डिमांड किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले और वो बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं है, सत्रता नहीं किया जा सकता, आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे, निकल।